आप एक बजट माउंटेन बाइक यूज करते हैं और उसमें जो हैंडल बार के साथ स्टेम मिलता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टेम मिलता है आपको, आपके पास मतलब मान लीजिए कि 20-30 हज़ार या 40 हज़ार के अंदर जो MTB आता है उसमें ज़्यादातर आपको लॉन्ग स्टेम ही देखने को मिलता है। तो ये लॉन्ग स्टेम और शॉर्ट स्टेम मतलब दोनों का फ़र्क क्या होता है, देखिए आज मैं इसमें लॉन्ग जो स्टेम है ये मेरे लॉन्ग स्टेम को चेंज करने वाला हूँ, इसको खोल के पूरा शॉर्ट स्टेम लगाने वाला हूँ, क्योंकि शॉर्ट स्टेम में आपको कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे पास जो आप देख सकते हैं ये शॉर्ट स्टेम है, एक फ्रोबेरस का है, मैंने अमेजन से परचेस किया और ये पर्सनली परचेस किया मैंने यूज़ के लिए, कोई स्पॉन्सर वीडियो कुछ भी नहीं है। तो ये इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा, और इसको हम मैंने मेरा जो बाइसाइकिल है उसमें इंस्टॉल करने वाला है, इसका जो क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है, मतलब ये एलुमिनियम का है और लाइट वेट भी बहुत अच्छा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है, पेंट क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है। और दोनों का मतलब मेरे जो स्टेम जो बाइसाइकिल के साथ इनबिल्ट था तो उसका वेट और इसका जो वेट दोनों का सेम लगभग सेम ही है, दोनों एलॉय का है, ठीक है। और ये जो स्टेम है जूम कंपनी की तरफ से है, तो इसको हम चेंज करने वाले हैं। और शॉर्ट स्टेम जो होता है, शॉर्ट स्टेम का फ़ायदा ये होता है कि कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है, कंट्रोलिंग बहुत इजी हो जाता है। तो हम 4 mm की हेक्स की मदद से इसको पहले खोल लेते हैं, इसको खोलने के बाद हम शॉर्ट स्टेम लगाते हैं और थोड़ा बहुत बात करेंगे मतलब स्टेम को लेके। एक्चुअली लॉन्ग स्टेम का तो फ़ायदा क्या है, देखिए लॉन्ग स्टेम तो कंपनी तो शॉर्ट स्टेम तो दे ही सकते थे, जो बजट माउंटेन बाइक है तो उसमें शॉर्ट स्टेम ना दे के लॉन्ग स्टेम क्यों देते। एक्चुअली देखिए लॉन्ग स्टेम का एक फ़ायदा है कि स्पीड इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ा सा, अगर आप लॉन्ग स्टेम यूज़ करते हैं तो लॉन्ग स्टेम में और भी एरोडाइनमिक पोजिशन आ जाता है राइडर जो राइड करते हैं, तो इसके लिए साइकिल का जो स्पीड है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन शॉर्ट स्टेम जो है उसमें थोड़ा सा एरोडाइनमिक थोड़ा सा कम मिलता है, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पीड जो है डिक्रीज होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही होता है। लेकिन शॉर्ट स्टेम का फ़ायदा एक है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग अच्छा होता है। और ये जो स्टेम है इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ये जूम कंपनी की तरफ से ही है, मेरा साइकिल का साइकिल में इनबिल्ट था, इसका जो पार्ट्स वगैरह सब कुछ अच्छा है, ये एलॉय का ही भी है और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी तगड़ा है, ठीक है, ये ख़राब नहीं है। आप लोग कभी लोग सोच रहे हैं कि ये ख़राब होने के मतलब बेकार है इसलिए चेंज कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये मतलब मैं शॉर्ट स्टेम यूज करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड करता हूँ तो इसके लिए इस शॉर्ट स्टेम लगा रहा हूँ। और ये हेडसेट कैप इसको निकाल दिए और ये जो स्टेम है आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है देखिए। और यहाँ पे पीछे इसका जो जितना सारा मतलब मेंशन वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है, कितना NM टॉर्क से इसको टाइट करना चाहिए और हैंडल बार वगैरह को कितना NM टॉर्क से टाइट करना चाहिए, सब कुछ डिटेलिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। और ये जेनुइन ब्रांड है जूम, मेरा जो बाइसाइकिल मतलब फायरफॉक्स टॉर्नेडो, इसमें काफ़ी जितना भी प्रोडक्ट है मतलब जितना भी सब कुछ लगा, सीट पोस्ट से और सस्पेंशन स्टेम मतलब सब कुछ जूम का ही है, हैंडल बार भी जूम का है। और ये जो स्टेम है छोटा वाला स्टेम ये मैंने ऑर्डर किया था, तो इसको हम लगाते ही देख सकते हैं ऊपर एक गैप बन गया है, मतलब हमें और भी स्पेसर चाहिए। तो स्पेसर लेने के लिए हमने स्पेसर ऑर्डर किया था, मेरा 2 दिन मतलब बाद फिर से लगाया मैंने, ये पहले दिन मैंने लगाया था, देखा कि स्पेसर की कमी हो रहा है तो मैंने बाद में ये बी ट्विन का स्पेसर मंगाया था ऑनलाइन से, डिकैथलॉन की साइट से आपको मिल जाएगा, ये 4 स्पेसर मतलब 4 स्पेसर ये मिल जाएगा आपको, ये भी एलॉय का है, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो हम यहाँ से 4 स्पेसर तो हमें नहीं लगेगा, एक या दो लगेगा, ये बड़ा वाला एक लगेगा, इसी से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ऊपर में देख सकते थोड़ा सा गैप बना हुआ है, तो छोटा वाला लड़के देखते एकदम बराबर हो रहा है, लेकिन स्टेम जो है थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, मतलब स्टेम के बीच में और जो स्टीयर ट्यूब है स्टेम स्टीयर ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, देखिए फिर भी बराबर हो रहा है, तो हमें और एक स्पेसर डालना चाहिए, तो इससे क्या हुआ कि स्टेम जो है थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, मतलब स्टीयर ट्यूब के थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर नहीं रहना चाहिए, देखिए आप देखिए कितना मतलब गैप है थोड़ा सा, तो ऐसा आपको गैप रखना चाहिए। उसके बाद हम हेडसेट जो बोल्ट है उसको टाइट करेंगे, और आपको एक चीज़ स्टेम लगाने के टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, पहले आपको हेडसेट टाइट करना है उसके बाद जो स्टेम बोल्ट है उसको टाइट करना है, काफ़ी सारे लोग गलत करते हैं, और खोलने के टाइम पहले आपको स्टेम बोल्ट खोलना है और उसके बाद आपको हेडसेट जो बोल्ट है उसको खोलना है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग उल्टा कर देते हैं, स्टेम बोल्ट पहले टाइट कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टार नट होते हैं पूरा डैमेज हो जाता है, और ये आप यूज नहीं करते फिर बाद में आपको स्टार नट चेंज करवाना पड़ता है। तो हम हैंडल बार को भी अटैच करेंगे, तो ये जो सामने का जो 4 बोल्ट दिख रहे हैं इसको खोलेंगे, उसके बाद हम हैंडल बार को पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हम स्टेम को टायर के साथ अलाइन करेंगे मतलब स्ट्रेट करेंगे। सो इसके लिए हमें चाहिए 4 mm एलन की सेम,
तो इसी की मदद से हम इसको खोल लेते हैं, खोल के हैंडल बार को अटैच करते हैं। और हैंडल बार लगाते समय आपको एक चीज़ तो ध्यान देना ही पड़ेगा, दोनों साइड एकदम ठीक ठाक अलाइनमेंट करना चाहिए, ऊपर नीचे आपका कितना चाहिए, मतलब सब कुछ अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तो आपको देख लेना चाहिए। फिर भी लगाते समय आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। और ये हमारा पूरा चारों बोल्ट जो है पूरा खोल चुका है। एक्चुअली स्टेम का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा, और इसका जो प्राइस है मेरे पास कम से कम 630 रुपये के आसपास पड़ा था। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है, देख ले, मतलब राइड करके फिर पता चलेगा मतलब इसका ड्यूरेबिलिटी कैसा है और मतलब कंफर्ट कैसा लगता है ठीक ठाक, वो सब मतलब राइड के दौरान ही पता चलेगा। और ऐसे देखिए हैंडल बार का आपको एक फर्स्ट एक मार्क होगा हैंडल बार के ऊपर, तो वो मार्क देखना चाहिए हैंडल बार के मिडिल में जो मार्क है, मतलब हम थोड़ा सा मतलब कैमरा के एंगल की वजह से आपको दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन आपको आपका जो हैंडल बार है उसमें आपको मार्क देखना चाहिए। और ये जो स्टेम के ऊपर जो हैंडल बार बिठाएंगे तो उसके बाद आपको ग्रीस करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर मतलब ग्रीस थोड़ा सा लगा लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, ताकि मतलब फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी ना हो। इसके ऊपर भी हम ग्रीस थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, नॉर्मल ग्रीस आप मार्केट से आपको 20 या 30 रुपये के अंदर आपको ये जो मेरे हाथ में जो डिब्बा था वो आपको ऐसा डिब्बा आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको बिठाना है, और ये जो हैंडल बार के मिडिल में आपको एक मार्किंग दिखाई दे रहा है वाइट टाइप का, तो वो आपको दिखना है, वो मिडिल में सेंटर में रहेगा बिल्कुल, वो सेंटर में रख के आपको स्टेम का जो ऊपर कैप है तो स्टेम कैप लगाना है, ठीक है। तो हैंडल बार के ऊपर जो ये वाला जो पार्ट लगता है तो इसको लगा के पकड़ के चारों जो बोल्ट है उसको टाइट करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है, मतलब एक बोल्ट को आप ज़्यादा टाइट कर दिया मतलब उसके बाद आप दूसरे को टाइट कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चारों बोल्ट आपको मतलब एकदम सेम सेम टाइट करना है, सेम टाइट करना है एक साथ, ठीक है। मतलब इसको एक बार घुमाया तो उसको भी एक बार घुमा लेना चाहिए ऐसे करके, और कोना कोना टाइट करना चाहिए। पहले उस कोने में हम थोड़ा सा टाइट कर दिया, ठीक है, वो उस कोने के बाद हम ऊपर जो ये जो बोल्ट है तो इसको टाइट करेंगे, मतलब इसको टाइट कर दिया पहले, नीचे वाला जो कोना है इसको इस बोल्ट को टाइट कर दिया मैंने पहले, और इसके बाद इस ऊपर का जो कोने का जो बोल्ट है इसको भी टाइट करेंगे ऐसे करके आपको टाइट करना है। और ज़्यादा मतलब एक बोल्ट को आप फुल टाइट कर दिया उसके बाद आप दूसरा टाइट कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, तो इसमें अलाइनमेंट ठीक ठाक नहीं होता है। तो आपको चारों बोल्ट एक साथ टाइट करना है थोड़ा थोड़ा करके, और ये अलाइनमेंट आपको ठीक ठाक कर लेना चाहिए इजीली, मतलब सबको आता ही होगा अलाइनमेंट करना ठीक ठाक। तो आप चाहे तो दोनों साइड आप हैंडल बार स्टेम बोल्ट लगाने के बाद दोनों साइड आप टेप जो मापने का जो टेप होता है तो उसकी मदद से आप दोनों साइड के हैंडल बार का जो डायमीटर है वो चेक कर सकते हैं, दोनों साइड समान है कि नहीं, मतलब ठीक ठाक एकदम बराबर है कि नहीं। और ये जो हैंडल बार है, हैंडल बार के जो स्टेम है, यहाँ पे आपको मेंशन हो सकता है कि मेरा जो पहला जो स्टेम था उसमें मेंशन था कि 6 न्यूटन मीटर की टॉर्क से आपको टाइट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 6 न्यूटन मीटर कितना होता है, देखिए ज़्यादा टाइट नहीं होता है, कभी लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा टाइट मार देता है, ऐसा नहीं है। 6 न्यूटन मीटर मतलब नॉर्मली एक टाइट रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और आप चाहे तो एक टॉर्क रेंच ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं, लेकिन टॉर्क रेंच थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन उसके लिए मतलब वो जो उसका जो काम है बहुत ही शानदार है, उसका परफॉर्मेंस मतलब टॉर्क रेंच से आपको मतलब पता लग जाएगा कि कितना टॉर्क से आपको टाइट करना है, वो टॉर्क रेंच आपको रोक देगी बहुत ज़्यादा टाइट होने से पहले। तो आप टॉर्क रेंच परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए यही वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।